तुम तो आज ही निकाह पढ़वा दो हमारे लौंडे का। आज ही? अबे भैया अभी तो रिश्ता हुआ यार, एकदम से शादी, ऐसे क्या कह रहा है तुम्हारा लौंडा? कसाई हूँ मैं, कसाई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे भैया पूरे 8 बज रहे हैं, 8। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे मैं कबूल है बाद में बोल दूंगी, तुम निपटा के आओ। बाजार में एक भी बकरा पसंद नहीं आया, सब पतले पतले थे। अरे वो देखो बकरा। अरे भाई साहब बकरा कितने का दिया है? भाई साहब 15,000 का। ठीक है बकरा? हाँ बढ़िया लग रहा है, यही ले लो। ये लो भाई साहब। अरे क्या हुआ बेगम, बिरयानी तैयार हुई नहीं अभी? ईद मुबारक हो भाई। अरे ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो सुहेल भाई। ईद मुबारक हो भाई। और इस बार कितना गोश्त निकला तुम्हारे बकरे में? अरे 25 किलो गोश्त निकला है। माशाल्लाह। जिसमें कि मैंने 10 किलो की बिरयानी बनवा दी, 10 किलो का कोरमा और 5 किलो मैंने रख लिया फ्रीज में, एक हफ्ते तक खाऊंगा उसे आराम से। और भाई गरीबों का और तुम्हारे रिश्तेदारों का हिस्सा, उनसे क्या मतलब है मुझे? भाई कितनी गलत बात है यार, शायद तुम्हें पता नहीं है कि एक बकरे में 3 हिस्से होते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक अपना और एक गरीबों का। भाई मुझे इस बारे में पता नहीं था, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अभी मैं इनके 3 हिस्से करवा के एक गरीब को भिजवाता हूँ और एक रिश्तेदारों में और एक अपने घर पे रोकता हूँ। और गाइस आप भी इस चीज का ध्यान रखें। अबे तुम्हारा बजट नहीं था ना तो ना बुलाते दावत में, दावत क्यों करी बकरे ईद के दिन? अबे क्या हो गया सुहेल भाई? अरे यार बकरे ईद के दिन हमारी दावत करी और साले खिचड़ी खिला रहे हैं। हाँ यार बात तो बहुत गलत है इनकी। चलो हमारे घर को चलो। तुम्हारे घर क्या बना? पीली तायरी। हट साला पीली तायरी, आओ चलो हम अपने घर खाएंगे। यार सावत तेरे पापा बड़े बेकार आदमी है, वही बड़े ही फेल इंसान है, कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा उनसे। नहीं पता है मेरे पापा कौन है? हाँ कौन है? कसाई है। संज्ञा ये। अबे यार सवा देखिए मुझे ना बता दो, तेरे पापा कसाई है, मैंने फिलो फिलो में कुछ ये बोल दिया। कल को बकरा ईद है और कसाइयों का भाव बढ़ा हुआ मैं बहुत। देखिए अपने पापा से कहते मेरे बकरे निपटा देंगे, पहले 2 हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, उठ तो जा, अभी कॉल कर मेरे सामने। हेलो पापा। हाँ वो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 बकरे, पहले उन्हें निपटा दियो। ठीक है थैंक यू यार, कल को तू भी आ जाइए, तेरी दावत है। अरे क्या हो गया? मैं। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं। अरे मुंह से बोल के बताना क्या हुआ। अरे यार वो पापा ने बकरा ईद के लिए बकरा ले लिए तो उनमें रह रहा के उनकी आदत हो गई। साला पूरे दिन बोलते हैं वो। संभल के रहिए, नहीं तेरे पापा कुर्बानी के बकरों के साथ साथ तुझे भी। ना ना तो हैंगे तो यार। इश्क में लुट गया। वो कहती थी कि बाबू साथ जन्म साथ रहेंगे, तो कल मेरी स्कूटी में पिंचर हो गया, रिक्शे में बैठ के चली गई। फैल गई। हाँ तेरा भला हो। सुनिए। हाँ बोल। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या? आई लव यू। अरे पगली तूने देर कर दी, अब क्या फायदा, अब तो बकरा ईद आने वाली है। बकरा बकरी भी प्यार करे और क्या, इनके अंदर दिल ना है क्या? अरे बकरी बिल्कुल बावली है, बकरे ईद के टाइम पे प्रपोज कर दी है, 2-3 महीने पहले प्रपोज कर दी थी, डेट पे भी वही आते। हाँ यार 2-4 बच्चे भी हो जाते अब तक इनके। जी देखिए मान जाओ अभी तो 4-5 दिन। अरे हट जाओ पीछा को। अरे 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 ना हट, देखो यार गया हट। वल्लाह हबीबी कितने का होती? हबीबी तुम्हारे लिए है 11,000 का, ना तो 15,000 से कम करना दूंगा किसी को भी। वल्लाह हबीबी हम इतना सस्ता बकरा नहीं खरीदती कभी भी, तुम कुछ अच्छी क्वालिटी दिखाती नहीं तो हम घर को जाके नहा के सो जाती, गर्मी बहुत होती तुम्हारे इंडिया में। ठीक है हबीबी बस 1 मिनट दो। अबे साले कौन सा बकरा दिखागा तू ऐसा जो दुनिया में कहीं पे भी ना है इसमें का? तूने अक्षय कुमार का वाला डायलॉग देखा ना? कौन सा? बकरे वाला। तुम्हें ऐसा बकरा दिखाऊंगा पूरी दुनिया में तुमने ऐसा बकरा ना देखा होगा। चलती चलती। लो भाई हबीबी देखो ये है सबसे बढ़िया क्वालिटी का बकरा। इसमें क्या क्वालिटी होती? हबीबी बीए फाइनल करवाया है, इसे कोई भी सवाल पूछ लो फटाफट जवाब दे। तो बुलवाती इससे कुछ? तो बेटे बताओ जून के बाद क्या आता? अरे बोल देती माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तुम्हें सोने के बिस्किट देती, हमें ये बकरा चाहिए होती ये लेती। हम लेके जाती इसको घर को, चल चलती घर, हम तुमको इंग्लिश और सिखाती। वल्ला हबीबी जैसे ही बकरा ईद आती तो ये इंडिया वाले बकरा खरीद कर बकरे को ऐसे टहलाती जैसे कोई मर्सिडीज खरीद कर उसको टहलाती। सब करती खामो खा का, और हमारे दुबई में ये 1 टाइम की खुराक होती।
वल्ला हबीबी कितने का होती? हबीबी तुम्हारे लिए है 11,000 का, ना तो 15,000 से कम करना दूंगा किसी को भी। वल्ला हबीबी हम इतना सस्ता बकरा नहीं खरीदती कभी भी, तुम कुछ अच्छी क्वालिटी दिखाती नहीं तो हम घर को जाके नहा के सो जाती, गर्मी बहुत होती तुम्हारे इंडिया में। ठीक है हबीबी बस एक मिनट दो। अबे साले कौन सा बकरा दिखागा तू ऐसा जो दुनिया में कहीं पे भी ना है इसमें का? बतून अक्षय कुमार का वाला डायलॉग देखा ना? कौन सा? बकरे वाला। हाँ हाँ बस तो फिर समझ ले। अरे हबीबी अरे खुल गो खुल गो, पकड़ दे, ये तो भाग जाती घर को। चलो हबीबी हमारे साथ चलो, मैं ऐसा बकरा दिखाऊंगा पूरी दुनिया में तुमने ऐसा बकरा ना देखा होगा। चलती चलती तू जल्दी से जा, इरफान का बकरा लिया। लो भाई हबीबी देखो ये है सबसे बढ़िया क्वालिटी का बकरा। इसमें क्या क्वालिटी होती? हबीबी बीए फाइनल करवाया, इसे कोई भी सवाल पूछ लो फटाफट जवाब देगा। तो बुलवाती इससे कुछ? तो बेटे ये बताओ जून के बाद क्या आता? अरे अरे ये तो बोलती हबीबी एक बार और बुलवाती, हमको यही बकरा चाहिए होती, एक बार और बुलवाती एक बार और। तो बेटे ये बताओ अप्रैल के बाद क्या आता? अरे बोल देती माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तुम्हें सोने की बिस्किट देती, हमें ये बकरा चाहिए होती, ये लेती, ये हमको दे देती, एक बार और बुलवाती हबीबी। बेटे ये बता तुझ मोरिन में बकरा कौन? अरे माशाल्लाह हम लेके जाती इसको घर को, चल चलती घर, हम तुमको इंग्लिश और सिखाती। अरे चलती अरे मेरा कटरा मार दिया साले ने। भाई साहब ये तो बकरा है यार। अब हाँ भाई साहब ये तो बकरा है। अबे तुम्हें पता ना बकरा इतने टाइम चल लिया, बकरे के पैसे कटरे के बराबर है इस टाइम। 45,000 रुपए चाहिए मुझे नगद में। 45,000 मुझ पे ना इतने पैसे, तो स्कूटी छोड़ गए जा फिर। स्कूटी की चाबी निकाल जल्दी। भाई यार काश मैं फूल होता, लड़कियों के बालों में लगा हुआ होता, और भाई काश मैं लिपस्टिक होता तो लड़कियों के होठों पे लगा होता, और भाई अगर तुम डाइपर होते तो किसी बच्चे के चूतड़ों पे लगे हुए होते। अरे भैया इस बैग को यहाँ क्यों रख रहे हो, ये मेरे सिर पे गिर गया तो? अरे मैडम जी आप क्यों टेंशन ले रही हो, इसमें सारा लोहे का सामान है, कुछ टूटने का है ही ना। अरे भैया लोहे के सामान पे इसके तो चोट लग जाएगी। हाँ भैया सही कह रहे हैं। सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, क्या आप आंसर देंगे? हाँ मैडम पूछो। सर अगर आप सीट पर बैठे हुए हैं और कोई महिला बस में आई तो आप अपनी सीट छोड़ देंगे? ना जी बिल्कुल ना छोड़ूंगा। अच्छा अगर सोचिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है तब तो आप अपनी सीट छोड़ देंगे? तब भी ना छोड़ूंगा मैडम। अच्छा सोचिए अगर कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत आई है तब तो आप अपनी सीट छोड़ देंगे? अरे मैडम जी मैं अपनी सीट किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने अपनी सीट छोड़ दी ना तो सारे पैसेंजर मर जाएंगे। क्यों ऐसा क्या है तुम्हारी सीट में? क्योंकि मैं इस बस का ड्राइवर हूँ ना। ड्राइवर? अच्छा